السلام عليكم ورحمة السلام عليكم سر. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، ٹھیک ہے، آپ سنائیں. آپ کی آواز تھوڑی آ رہی ہے آج. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سمیلہ، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. How is the weather, sir? Yeah. How is the weather? Just a minute. Yes. How is the weather, sir? I'm very hot. Oh. Alhamdulillah, at 40 degree. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मैं दूसरे अपने स्पीकर को लगा रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. मैं अब आवाज السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. आज हमारे पास नेक्स्ट लाइट चली गई जी. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे पर लाइट चली गई है. ये यूपीएस पे जितना चल सकता है, सिस्टम बंद है. इरफान बात कर रहे हो? यस सर. मैं आवाज पहचान ली मैंने. थैंक यू सर. वेलकम. चलो आगे. जी अटेंडेंस थोड़ी है. अच्छा भाई एजाद आ गए हैं. फहद उर रहमान. फहद सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आ रही आवाज? यस सर आ रही है. सर आ रही आवाज? मासूमा प्रेजेंट सर. मोहम्मद अम्मान प्रेजेंट सर. मोहम्मद इरफान. यस सर. मोहम्मद बिलाल. प्रेजेंट सर. यस सर. और मोहम्मद वसी. सादिया. प्रेजेंट सर. जी जी सादिया.
शेख जैन और सुफियान प्रेजेंट सर को आपका हुआ था ना सॉरी सॉरी सर 27th को ऊपर फेब आ रहा है ना वो अप्रैल कोर्स एक्टिविटी भी नहीं हुई क्रिएट पुराना लेक्चर है हमारे पास जो मेड का था आप उसको क्रिएट करके सेव कर दें अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम जी अब्दुल रजाक प्रेजेंट सर अमन गुल प्रेजेंट सर आलम शेर यस सर आमिर अब्बास प्रेजेंट सर असद महमूद प्रेजेंट सर आसमा बीबी प्रेजेंट सर अवैस अहमद प्रेजेंट सर आयशा कामरान यस सर दानियाल हमीद प्रेजेंट सर देलावेज देलावेज इजाजुल हक यस सर फरवा प्रेजेंट सर गुलाम मुर्तजा प्रेजेंट सर मरियम मंजूर मोहम्मद अहमद प्रेजेंट सर मोहम्मद फियाज सर वो इतिकाफ पे बैठ गया हमारे लिए दुआएं करेगा ना क्या देना होता है मोहम्मद जहीर जहीर मोहम्मद याज मोहम्मद हसनैन हसनैन भाई नगीना फातिमा नगीन फातिमा यस सर यस सर निम्रा ये वाले ठीक है ये भाई रुजमान क्या लगाया हुआ है यू आर प्रेजेंट रुजमान म्यूट योर म्यूट म्यूटेड निमरा खलील नहीं है नूर रहमान प्रेजेंट हो गया अच्छा जी नूरुल ऐन नूरुल ऐन नरीन कौसर यस सर अमीजुल हसन प्रेजेंट सर समीउल्लाह प्रेजेंट सर शाहजेब यस सर सुमैया लाल प्रेजेंट सर सईदा रीच प्रेजेंट सर उसामा ओमामा प्रेजेंट सर उमर फारूक प्रेजेंट सर उसामा हबीब यस सर
उस्मान तारिक यस सर जुलेखा प्रेजेंट सर और भाई कोई अच्छा भाई लास्ट में हमने क्या कुछ किया था क्या बताते हैं सर लैग्रांज इंटरपोलेशन वाला किया था और डिवाइड डिफरेंस किया था जी सर एग्जांपल्स भी होगी थी आज हम ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं ऑपरेटर्स सर जी पेपर इज वेरी लेंथ पेपर यू हैव फीवर लेंथ लेंथ व्हाट पेपर लेंथ ही तो सर कह रहा है पेपर वाज इट वाज सो स्मॉल पेपर इट कैन बी सॉल्व इन 1 आवर एंड यू आर गिवन 2 आवर्स ओके Yes, sir. Easy, but so length. But this is because due to, lack of practice. You have not done practice for the question solving. Okay. Yes, yes, sir. How many of them submitted in time? On time, I submitted. Afghanistan oh. time. Afghanistan, not Afghanistan time. Have you received the paper on Afghanistan time? Yes, because Afghanistan time half hour after in Pakistan. No. Now, what is time in Afghanistan at this time? This is 3:30. Okay. We are 3:45. Just difference of because I'm in the Afghanistan. Mm-hmm. I also submitted this time. Okay. Right. No issue. Okay. Inshallah, its marking will be as usual. As I said in the previous section in differentiation, that it will be relative marking. The maximum, if someone have the maximum score of 25 out of 30, his or her score will be considered as 30 and the remaining will be similarly upgraded. Okay. Inshallah, sir. I getting 25 marks, inshallah. Late submission kabhi koi nuksan hoga? Definitely, it's a very huge difference. क्यों लेट एडमिशन सबमिशन हुई जी ठीक है सर थैंक यू बता वजह तो बताए ना क्योंकि यू हैव टू सोर्सेस वैसे ही आइदर बाय ईमेल मेरी तो लेट नहीं हुई थी नहीं जो भी होगा एक सोर्स से तो आ सकता था ना जी जी सर बिल्कुल एक मिनट जी अस्सलाम वालेकुम मैं क्लास ले रहा हूं खैरियत जी अच्छा चलो 10 बजे मुझे डिस्कस कर लेना कल ठीक सर व्हाट्सएप कर दिया था इन टाइम लेकिन मेल में थोड़ी देर हो गई थी इन टाइम आना चाहिए और पीछे से आपने इसकी डिलीट नहीं करनी फाइल क्योंकि व्हाट्सएप की फाइल अगर आपकी तरफ से डिलीट हो जाए तो इधर भी वो रीडेबल नहीं होती ठीक है ना ये पता है जी सर डिलीट जी सर डिलीट नहीं की लेकिन व्हाट्सएप पे इन टाइम कर दिया था मेल का पता बाद में चला मैं इसलिए कह रहा हूं कि तब आप सिक्योर होंगे अदरवाइज योर टाइम विल बी काउंटेड एज ईमेलर ईमेल टाइमिंग तो दोनों में से जो अर्ली आएगा उसको लूंगा लेकिन दोनों को मैं कंपेयर कर लूंगा कि बाद में कोई चेंजेस तो नहीं है जी सर थैंक यू सर
पर आप दोनों चेक करेंगे ईमेल भी और व्हाट्सएप भी? पहले जिसका आया वो चेक करूंगा। ठीक है सर, फिर मैंने ईमेल पहले किया था टाइम पे। कोई बात मेरे पास टाइमिंग का एक खाना होता है, उसके ऊपर मैंने सारा लिखना होता है कितने बजे आई, और इस वजह से मैं इतने नंबर काट रहा हूं। ठीक है, ओके सर। अच्छा भाई, आज हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस ऑपरेटर्स, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डिफरेंस ऑपरेटर्स में यहाँ पे जो हमने काम करना है वो 5 किस्म के ऑपरेटर्स कर रहे हैं, फिर इनके हम रिलेशनशिप करेंगे। डिफरेंस और मुझे लगता है कि अब इंशाल्लाह क्लास ईद के बाद होगी, क्यों भाई? यस सर ईद के बाद होगी मेरे ख्याल में, 18 को हमारी क्लास होगी, 11 को क्लास। जी 8 से तो लॉकडाउन हो रहा है ना, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि ऑनलाइन क्लास की हो 2 दिन के लिए, और छुट्टियां भी हो रही हैं। हियर वी विल डिस्कस टुडे 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज शिफ्ट ऑपरेटर। स्क्रीन शेयर कर लें प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं है? नो सर। ओके मैं कर देता हूँ, सॉरी। थैंक यू फॉर अब हो गई है। यस सर। ये सर हो रही है। शिफ्ट ऑपरेटर ठीक हो गया जी। फर्स्ट वन शिफ्ट ऑपरेटर व्हिच विल बी डिनोटेड विद ई। नंबर 2 इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम डेल्टा से जोड़ करेंगे। 3rd वन इज बैकवर्ड। डिफरेंस ऑपरेटर इट विल बी डिनोटेड बाय नेबला। नंबर 4 इज सेंटर ऑपरेटर। Which is denoted with delta, and the last one will be number 5, averaging operator. Averaging or mean operator भी इसको कह सकते हैं। It will be denoted with mean, that is mean. These are the 5 operators which we will discuss here. लेकिन ज्यादा डिटेल हमारे पास पहले 3 की चलेगी, ये वाले। इसको हम बस इसकी फॉर्मूले करके थोड़े से क्वेश्चन करने को कर लेंगे, बाकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ चीजें आपको आज नोट्स के थ्रू पर मिलेंगी, क्योंकि कुछ काम करना चाह रहे हैं, टाइम थोड़ा रह जाता है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट ऑपरेटर। एक चीज याद रखिएगा कि व्हेन वी डिस्कस द डिफरेंस ऑपरेटर्स then the data we are considering will be equispaced data. Consider the data like this one, x naught, y naught, x1, y1, and so on, xi, yi, and so on, up to xn, y. With xi minus xi minus 1 will be equal to h. H is a step size, and h may be negative or positive integer, right? These are the data points. Then xi's are the independent variables, while yi are the dependent variables, values are variables.
तो वी हैव टू चेक द डाटा फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इक्वली स्पेस आर नॉट वी आर सपोजिंग हियर दैट आवर डाटा इज इक्वली स्पेस देन वी कैन डिफाइन द डिफरेंट सेपरेटर्स व्हिच आर डिस्कसिंग अबाउट नंबर वन इज शिफ्ट ऑपरेटर That is easy. First of all, we will discuss different operators, and then we will develop a relationship between these. Shift operator. Shift operator में क्या होता है कि if we apply shift upon some value of the function, it will answer in the next value of the function. ये हमारे x plus a. अगर हमारे पास h इज द इंक्रीमेंट तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगी x प्लस h हो जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी फंक्शन एट x प्लस h हो जाएगी तो ये शिफ्ट का काम है कि एक स्टेप उसको पुश अप करता है पुश फॉरवर्ड करता है ये इसका काम सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट ई स्क्वायर हम फाइंड करना चाहें तो जस्ट लाइक डेरिवेटिव डेरिवेटिव इज एन आल्सो ऑपरेटर तो हाउ वी कैन सबलेट Second order derivative like this one, say shift of f of x, right? This one. And we know this value is equal to this one. So this will be equal to shift of x plus h. And now if we apply the shift upon this one, so it will be shifted into next value, which is equal to f of x plus 2h. Similarly, if we take the e3 f of x, so this will be equal to f of x plus by symmetry 3h. X plus h for just single value, for double value, and these are said to be higher order operators. E square, e cube, e 4, and so on. En f of x. This will be equal to f of x plus nh. Similarly, if value of the n is minus 1, for n equal to minus 1, what will happen? This will be equal to e minus 1. F of x will be equal to what? Just we have to write x minus nh. Right? अगर n की वैल्यू को हम यहां से माइनस वन लेते हैं जस्ट वी विल रिप्लेस n विद नेगेटिव साइन तो दिस विल बी इक्वल टू सॉरी जस्ट दिस n इक्वल टू माइनस वन तो हियर e पावर माइनस वन इज सेट टू बी एंड रिटन एज वन ओवर e इज शिफ्ट इनवर्स Shift inverse operator. ये हमारे पास shift operator. This is somewhat about shift operator. Now, what is the forward difference operator? Second one is forward. Number two. But if you have some question, you may ask me. Forward difference. ये हमारे पास किससे मैंने नोट किया था डेल्टा से What is the definition of this forward operator? If we apply on some function, तो ये क्या करता है? Next value में से original value को subtract करता है. This is the definition of the forward difference. If we have to take the second order derivative,
second or shift of power difference operator. So this will be, it will be applied on, we may write it as this one, like above example, that this one. And this will be equal to delta upon what? This is given by this one, whole right hand side, that is x plus h minus f of x. It means we have to apply now delta upon this one and again upon this one. So our first value, this will be equal to delta f of x plus h minus delta f of x. If you expand it, to kya hota hai? Isko next value mein se ye subtract kar do. Iski next kya hogi? X plus 2h. Bilkul theek, shabash. X plus 2h minus same yahi value hum subtract kar rahe hain. माइनस अगर बैठे डाला जो इसमें से फिर वही वैल्यू आप ऊपर कर चुके हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अगर हम इस माइनस को अंदर लेके जाएं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा टू एच और माइनस टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स तो दिस इज सेकंड फॉरवर्ड Similarly, अगर क्यूब की बात करेंगे तो दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्चुअली मैं वैसे प्रूव नहीं कर रहा डायरेक्ट लिख लूंगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया अगर डेल्टा स्क्वायर तो वी हैव एडेड 2h यहाँ से अगर क्यूब है तो क्या हो जाएगा x प्लस 3h माइनस दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल सस्पेंशन ऑफ x a प्लस b होल स्क्वायर राइट सिमिलरली क्यूब को लेके तो हमारे पास वो थ्री आ जाता है एफ ऑफ इससे एक कम और इससे एक कम दैट इज एक्स प्लस टू एच और प्लस अल्टरनेटिव साइन हमारे पास आ रहे हैं दिस विल बी थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड लास्ट वन विल बी इक्वल टू दिस वन तो ये एंड सो ऑन आप इसको ले सकते हैं इसी तरीके से अगर हम बैकवर्ड की तरफ आते हैं बैकवर्ड तो क्या होगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबला ये क्या करता है हमारे अच्छा जी इफ वी अप्लाई नेबला अपॉन एफ ऑफ एक्स तो इट विल रिजल्ट फ्रॉम द सेम वैल्यू वी विल सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस वन दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसमें क्या होता है नेक्स्ट वैल्यू में इसीलिए उसको फॉरवर्ड कहते हैं कि आगे जाता है तो फॉरवर्ड में से वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इसको हायर ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेबला ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस नेबला दिस होल वन So we will get here nebula upon f of x minus h. So we may write it as this one, nebula of f of x minus h. So यहाँ से अगर nebula को देखें तो this will be equal to इसकी value में से क्या करना है इसकी प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस इस वैल्यू में से इसकी प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना और माइनस होता है तो ये माइनस बाहर भी है तो मैं प्लस कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच क्यों भाई एक्स माइनस एच की प्रीवियस क्या होगी और एच सब्ट्रैक्ट करेंगे सिमिलरली ये जैसे पहले हमने किया फॉरवर्ड में वहां भी सम किया था ये हमारे टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एच
प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस टू एच, तो ये हमारा आंसर। इसके अलावा बाकी दो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में मैं जो लिख रहा हूं वो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की लिख देता हूं नंबर फोर पे, सेंट्रल ऑपरेटर, इसको हमने कहा था कि डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या करता है कि डेल्टा, इफ यू अप्लाई डेल्टा अपॉन एफ ऑफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाय टू, द डिफरेंस इज दिस। लेकिन अगर हम पांचवें नंबर पे आ जाएं और वो एवरेजिंग ऑपरेटर ले लेते हैं, which is denoted by mu, just we have to take the mean of these two above. Delta upon f of x will be equal to f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2, or the mean of these two will be equal to, this will be 1 over 2 outside the bracket. Can we take it? Yes, sir. Any question? Awesome. Now, what is the relationship between these operators? इनके दरमियान relationship क्या है? वो हम देख लेते हैं। आगे relationship between operators. क्या होता है हमारे पास के सबसे पहला number one between shift and forward, इन दोनों के दरमियान वी नो दैट क्या के फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज बाय डेफिनेशन। इफ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, तो व्हाट विल बी इट वैल्यू ऑफ दिस इन शिफ्ट ऑपरेटर, you may write it in this, can we write sakte hai na, it may be written in the form of shift of f of x equal to this one, ye maine upar bataya ye color bhi aa raha hai upar mein ye the left side pe shift of f of x equal to f of x plus h, theek ho gaya, dono mein se f of x common aata hai, so this will be equal to e minus 1 into f of x, dekho dono taraf pe aapke paas f of x मौजूद है, तो definitely you can conclude that delta will be equal to e minus 1. So this is the basic relationship between shift and forward difference operator. Similarly, we can establish a relationship between shift and the backward difference operator. So how we can do it? Shift and backward. तो इसको करने के लिए हमारे पास वी नो दैट नेबला अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, अच्छा
Now, you know, this may be written as this one. ये देखो क्या हो जाएगा nabla upon f of x is equal to f of x minus shift inverse f of x and this will be equal to 1 minus e power minus 1 and so we can write it as nabla is equal to 1 minus e power minus इसको अगर आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं वन ओवर ई आर ई माइनस वन ओवर ये भी इसके इक्वल हो जाएगा ठीक है जी यस सर एक मिनट रेस्ट करते हैं मैं थोड़ा सा आई थिंक आउट ऑफ इट कभी हुआ नहीं क्लास के दौरान तो कभी नींद भी नहीं है रोज है ना काफी गर्मी भी काफी हो गई है गर्मी तो खा हो गए यानी हुआ नहीं कभी नींद पूरी नहीं आपके रोजे ठीक जा रहे हैं सबके माशाल्लाह यस सर रवि सर भी पढ़ा करते हैं ना पढ़ा करें यस सर यही महीना मिलना होता है बाद में नहीं मिलता पता नहीं अगली दफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमारी किस्मत क्या होना ठीक है ना लो जी इसके बाद हमारे पास हिम्मत करते हैं साथ साथ नेक्स्ट आपके पास दो और रिलेशन है वो सिंपल से हैं तो वो क्या है कि हमारे पास यू नो that delta of f of x is equal to f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. So this may be solved as isko aap likh sakte hain shift of 1 by 2 isko kya khayal shift of minus 1 by 2 kya khayal हाँ भाई यस सर ये देखो यहाँ पे इरफान ने कहा कि एन की वैल्यू को मैं माइनस वन बाई टू कर रहा हूँ अगर yes, अगर वन बाई टू या वन बाई माइनस वन बाई टू करूँ तो ये रिजल्ट हमारे पास तो ये यहाँ जी हाँ, ये फ्रैक्शन में आ गई ये सिर्फ हमारे पास डेल्टा यानी एवरेजिंग और सेंट्रल सेंट्रल डिफरेंस रेट जो है ना फ्रैक्शन में होते हैं तो ये आमतौर पे मीन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं अभी मैं बताऊंगा डिटेल के साथ कि ऑपरेटर्स कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है तो अगर शुरू में डेटा हमें चाहिए तो हम फॉरवर्ड इस्तेमाल करें वरना बैकवर्ड इस्तेमाल करें और अगर हमें कहीं पे दरमियान में कोई वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम वहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर या फिर मीन डिफरेंस ऑपरेटर थैंक यू और लास्ट वन इज बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एक्स माइनस एच बाई टू और डिवाइड बाई टू था ना ये फॉर्मूला हमारा जो आखिर में हमने यहाँ पे किया मैंने वन बाई टू बाय लिखा था मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया एफ मीन ऑफ दिस टू तो इसमें अगर आप करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू ई पावर वन बाई टू प्लस ई पावर माइनस वन बाई टू डिवाइड ठीक हो गया ना यस ये वैल्यू लो ये दो जो है ना वो कम इस्तेमाल होते हैं वैसे तो क्वेश्चंस के अंदर तो बहुत इस्तेमाल होते हैं तो बेसिकली हमने तमाम का रिलेशन जो फाइंड आउट किया है वो बेसिक ऑपरेटर दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर के साथ किया कि शिफ्ट ऑपरेटर में हमने सारा कुछ नहीं किया मैं इसकी मिसाल यूं भी देता हूं कि मिसाल के तौर पे आपने मुख्तलिफ नंबर सिस्टम पढ़े थे छोटे होते आपने बाइनरी सिस्टम भी पढ़ा उसके बाद
सिस्टम ऑफ फाइव बेस भी पढ़ी आपने, और उसके बाद हमारा ओरिजिनल जो सिस्टम चल रहा होता है वो डेसिमल सिस्टम होता है, और उसके बाद जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा उन्होंने हेक्सा डेसिमल भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, क्यों भाई? तो सारों की कन्वर्जन हमारे पास 10 में आती है क्योंकि तो वो बेसिक है, वहां में बेसिक डेफिनेशन किसकी चली 10 में। तो 10 का रिलेशन हम हर एक हिस्सा बनाते हैं, हर एक को हम 10 में लेकर, अगर बेस 2 से बेस 5 में जाना है तो पहले बेस 2 से बेस 10 में आएंगे, 10 से फिर आप 5 में आएंगे। तो ऐसे ही हमारे पास जो रिलेशन है मेन जो मेजर रिलेशन है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स शिफ्ट ऑपरेटर। किसी भी आप ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर में लेके जाना चाहें तो आप क्या करते हैं, तो सबसे आसान तरीन भी क्योंकि हमारे पास शिफ्ट है और सारों के साथ लेट भी करता है इसलिए, वरना डेल्टा और म्यू का तो आपस में कोई तलक नहीं है, बनाया तो कोई नजर नहीं आता। अब अगर बनाना चाहते हैं इट्स वेरी सिंपल, आप इन दोनों को इकट्ठा कर दें, इसमें माइनस करके उसकी वैल्यू म्यू यहाँ पुट की जा सकती है, वो तो ला सकते हैं हम, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंटली किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ उसका कोई लिंक नजर नहीं आता। तो ये चीजें हमारे फिर इनके कुछ क्वेश्चन हैं वो आप कन्वर्जन वगैरह वो मैं इंशाल्लाह नोट्स अपलोड कर दूंगा, क्या ख्याल है? उसकी जरूरत नहीं है, ये बीएस लेवल के है तो क्वेश्चन हमने आगे जाना है। यस सर। जी जी यस सर। सर लास्ट चैप्टर के भी रहते हैं नोट्स जी, ये मैं कर दूंगा। और उसके बाद हमारे पास मैं नया एक नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, दो तरह के फोल्डर होंगे हमारे पास, एक होगा एक बार मैं उसको कॉपी कर लूँ, अभी स्कैन किया था। Sir, are you sick? Right. What? Are you sick? I don't understand you. Sir, वो पूछ रहा है बीमार है। No, 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 no. अच्छा sick. No, no. I'm fine. Alhamdulillah. ये मैं दो notes आपको share कर दूँगा ये वाले। मैं पहले एक दिखा देता हूँ फिर दूसरा। तो ये जो ऑपरेटर्स मैं करवा रहा था वो ये थे, ये डिटेल के साथ मैंने यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ये सारे मैं इंशाल्लाह इसको ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए। यू आर गिवन एयर असाइनमेंट क्वेश्चन, डोंट नीड टू सॉल्व एज असाइनमेंट, जस्ट दीज विल बी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू विल कंसीडर दीज विल बी right. Okay sir, you will never submit the assignment against these. Okay,
और द सेकंड वन इज दिस वन। ये हम लोग करते हैं। अभी हमने रिलेशन किया था कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटर्स। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर्स एंड डिवाइडेड डिफरेंसेस। ये थोड़ा सा मुख्य पार्ट है कि डिवाइडेड डिफरेंस और ऑपरेटर्स के दरमियान में क्या फर्क है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एमएस का काम शुरू हुआ है, वो बीएस लेवल का काम करना है। दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्योंकि अगर इम्तिहान आपके इस तरीके से आते हैं कि मिसाल के तौर पे ऑनलाइन, और जो कि उम्मीद भी लग रही है, कंफर्म तो नहीं हम कह सकते क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि जून में इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खोल रही है, तो अगर तो ऑन कैंपस होते हैं तो फिर थ्रेटिकल भी होगा, यानी प्रूफ वगैरह भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे और ये सारे क्वेश्चन होंगे। और अगर हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन होता है, यानी ऑन कैंपस हुआ तो हर चीज़ होगी, और ऑनलाइन हुआ तो फिर क्वेश्चन देंगे, बाकी तो आप छापा ही लगाएंगे। ठीक है, फिर हम आपको क्यों तकलीफ दें, क्या ख्याल है? Yes, sir. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर्स एंड डिवाइडेड डिफरेंस। लास्ट टाइम हमने डिवाइडेड डिफरेंस का किया था ना, याद है ना आपको कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है? ये मैंने लास्ट टाइम आपको करके बताया था कि हाँ भाई याद है ना कि रिवाइज करना पड़ेगा। ओके ओके। फर्स्ट वन इज कि अगर उसका फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ ऑपरेटर के साथ क्या तल्लक है, और नंबर टू पे मेरे पास ये दिया गया है कि उसका बैकवर्ड के साथ क्या तल्लक है। ये तो वेरिफिकेशन कि ये चीज इसके इक्वल कैसे होती है। मैं एक थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी आपको कर दीजिएगा, ये भी मैंने मुकम्मल नहीं किया। तो बहुत आसान है, एफ ऑफ एक्स जे एक्स जे प्लस वन इफ यू टेक द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज टू, तो यू नो दैट कि ये बाद वाली वैल्यू में से एफ एक्स जे प्लस वन में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके फंक्शन की वैल्यूज को, और डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस का, ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंस करा है। क्योंकि ये तो पता है ना? यस सर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इट इज इक्वल टू डेल्टा एफ जे। एंड व्हाट इज दिस वन, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव एक्स जे इज इक्वल टू एच एच आर, और मैंने अपने पास से वन फैक्टर साल अगर टू जनराइज द फार्मूला इन द नेक्स्ट स्टेप, ये मैंने, ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना? अब इसी तरीके से इफ यू टेक द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज थ्री नंबर्स एक्स जे प्लस वन एक्स जे प्लस टू, कैसा वो मैंने याद होगा कि ये अगर एक्स दिया हुआ वाई दिया हुआ तो फिर हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं विच आर सेपरेटेड विद वन कॉमा फिर टू कॉमास, याद है ना? तो जो टू कॉमास से होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस वन। तो हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस होते हैं तो उन दोनों के कंसेक्यूटिव का डिवाइडेड डिफरेंस फिर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज टू माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज टू, ये वैल्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाई, क्योंकि आप तीन वैल्यूज हैं तो अपर में से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास। हाँ भाई, ये समझ आई या नहीं आई? क्यों भाई? यस सर। आप ही समझ या कुछ डिटेल में जा रहा है? ओके ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ दीज टू, यानी ये अगर हम डिफरेंस का डिवाइडेड डिफरेंस लेते हैं तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए, इसका ये और ये नीचे जो आ रही है ये मैंने इसका डिफरेंस को, अब दो स्टेप पे है एक्स जे प्लस टू एक्स जे प्लस वन एक्स जे, तो एक स्टेप के बाद आए तो फासला कितना हो जाता है, टू एच का डिफरेंस हो जाएगा। क्यों भाई? यस सर। एक्स जे प्लस वन एक्स जे प्लस टू, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको टू एच का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे ये आ रहा है डेल्टा ऑफ, दोनों में से डेल्टा कॉमन ले लिए, ये मैं एच को नीचे ले आया तो टू एच स्क्वायर हो गया, और बाकी क्या एफ ऑफ एक्स जे प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स जे, या इसको ये फिर अंदर जो बनता है वो क्या है डेल्टा एफ जे, ये हमने आर आर ऑपरेटर किए थे।
अब दोनों को मिलाओ तो क्या बनता है डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो टू फैक्टोरियल एस स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये के तक जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये के फैक्टोरियल एस के, और ये यहाँ पे अभी तक तो हम कहाँ तक आए थे, जे प्लस टू तक आए थे, और अगर जे प्लस के तक जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे टू की बजाय के आ जाएगा, यहाँ टू की बजाय के आ जाएगा, यहाँ भी के आ जाएगा। ऐसे ही आपने बैकवर्ड डिफरेंस के साथ रिलेशन को प्रूव कर लेना, कभी हो जाएगा ना इंशाल्लाह। नेक्स्ट है एक थ्योरम है हमारे पास, इट्स इंपॉर्टेंट, लेट एफ इज बिलोंग्स टू एन कंटिन्यूस फंक्शन, एन टाइम्स कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास है, और ऑन ए बी कोई भी इंटरवल हमारे पास, एंड एक्स नॉट एक्स वन ऑफ टू एक्स एन बी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन ए बी, ये ए बी स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हैं, यहाँ पे चल सकता है लेकिन नीचे तो बिल्कुल नहीं चल सकता, वो ब्रैकेट मैंने स्मॉल लिखी हुई है यहाँ पे, जब हमने इन ए बी देन ए नंबर एन इन ए बी एग्जिस्ट, एक नंबर टी जो है वो कोई ना कोई ए बी के दरमियान में एग्जिस्ट करता है विद दिस इक्वालिटी, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ, यानी एन एस डिवाइडेड डिफरेंस हो गया ना ये एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स टू और एक्स एन इज इक्वल टू एफ एन टी, यानी ये पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है, ये एन एस को उसको डिवाइड डिफरेंस को प्रूव कर रहा है, और डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो ये कैसे करेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले ये थोड़ा सा बता दूं, ये अपने पास एक फंक्शन डिफाइन करें जी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस पी एन एक्स, जी एफ एक्स कोई भी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन, और ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है हमारे पास, तो ये नंबर वन इक्वेशन है पॉलिनोमियल डिग्री एन। मिसाल के तौर पर ये जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स है, तो पी टू ऑफ एक्स ये एक फंक्शन हमारे पास है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये पी टू ऑफ एक्स है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास ये बन जाती है। यहाँ से इसको आप खोलना चाहें e पावर x को तो ये बन जाएगी, तो विच इज अ फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू g ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x भी होता है क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x, तो बोथ हैव फंक्शन ऑफ x एंड विच इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ x दैट विल बी अगेन फंक्शन ऑफ x विच इज g ऑफ x। तो यहाँ से सिंस p एंड x आई is equal to f of x i, लास्ट जो हमने प्रूव किया था आपको याद होगा दोनों के अंदर हमने ये कंडीशन ली थी कि पॉलिनोमियल एट x i is equal to value of the function at x i for different values of i varying from 0 1 to up to n, ये वैल्यू हमारे पास है। Therefore g of x has n plus 1 distinct zeros in a b, इसके अंदर कितने रूट्स होंगे, जीरोस का मतलब रूट्स होता है ना, आपको याद है कि जब भी हमने लैग्रांज थ्योरम हमने किया तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्स आई की मुख्य वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई आई वाई आई, तो हमारे पास इसके मुख्य वैल्यूज आनी शुरू हो जाती है, तो वाई आई क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें ये देखें यहाँ पे अगर हम इसको फंक्शन के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जाहिर है फंक्शन की पॉलिनोमियल की वैल्यू भी वही आनी है, तो जाहिर है जब दोनों बराबर हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, यानी जी ऑफ एक्स विल बी अ रूट, उसका एक रूट आ जाएगा। इस सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास मुख्य रूट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एन प्लस वन रूट्स आते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स टू मेक अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन वी रिक्वायर एन प्लस वन points like this one x not x1 up to xn, these are the points along with y i's, so phir ja ke hamare paas wo points ho to pura mukammal point hoga to phir definitely we can establish a relation for the polynomial, to ye n degree polynomial ke liye hamare paas kitne points chahiye, n plus 1 hote hain, to ye is wajah se yahan pe humne kaha therefore g of x is n plus 1 distinct zeros in a b, जी ऑफ एक्स के रूट्स हैं, तो कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की तो राइट साइड जीरो हो जाती है फॉर डिफरेंट एन प्लस वन वैल्यूज, तो यहां से भाई ये पॉइंट समझ आ गया, बाकी काम आसान है, क्यों भाई
यस सर। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, लगता दिल नहीं लग रहा, हम भी मुश्किल में बैठे हैं और अगर अटेंडेंस नहीं जाए तो 50% 24-23 10 बजे राइज रोज थ्योरम। एक तो रोज थ्योरम तो आपके पास टू पॉइंट्स के दरमियान होता है, वो ए और बी के लिए हमारे पास एक पॉइंट और एक हमारे पास अगर जीरो आ जाए तो फिर, और अगर हमारे पास जनरलाइज लगाएं देयर एग्जिस्ट अ नंबर टी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट जी एन ऑफ टी इक्वल टू जीरो, कोई ना कोई वैल्यू टी जरूर लाई करती है कि फंक्शन ये मौजूद है तो इसकी वैल्यू टी पे लें तो उसका ये एन डेरिवेटिव जो है इक्वल टू जीरो होता है। वहां पे हम क्या लेते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे ना, याद है ना? यस सर, फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो। तो सो एफ एन ऑफ टी माइनस पी एन ऑफ टी इक्वल टू जीरो, यहाँ से अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये इक्वल टू जीरो, इसका मतलब दिस इज राइट साइड विल बी इक्वल टू जीरो, तो ये भी एनथ डेरिवेटिव, ये भी एनथ डेरिवेटिव, अगर लेफ्ट साइड का एनथ लिया तो इसका भी लिया एनथ एनथ, ये हमारे पास जीरो, और इसको अगर आप चाहें तो ये चीज सही करें इसको तो लेंगे इस वैल्यू, और अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है ये वाली, इसको अगर डिवाइडेड डिफरेंस से देखें तो वो ये इसके बाद इक्वल बन, क्यों भाई n फैक्टोरियल और n f डिवाइडेड डिफरेंस, आखिरी वैल्यू का फार्मूला देखेंगे ना तो वहां पे क्या आ जाता है n फैक्टोरियल और ये n डिवाइडेड डिफरेंस, और यहां से n फैक्टोरियल को डिवाइड कर दे उधर तो आपके पास क्या भाई, ठीक है? यस सर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम, आपको याद होगा कि आप एफ एस सी पढ़ाते भी होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, कुछ ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, कुछ वैसे पढ़ा रहे होंगे, तो हम सम ऑफ द सीरीज करते हैं, हम सीरीज का सम इसके जरिए फाइंड आउट करते हैं, समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है? कैसे, अभी आपको क्वेश्चन याद आ जाएंगे कि सपोज दैट वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के हम n टर्म्स का सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेट f नॉट f1 f2 अप टू fn माइनस 1 इक्वल टू, आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग द शिफ्ट ऑपरेटर, f नॉट इज वही रहने दें, f1 को क्या करेंगे e ऑफ f नॉट, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू आ जानी है, यानी इससे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा f1 के इक्वल है, e f नॉट किसके इक्वल, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू f नॉट की क्या होती है f1, और एफ नॉट के ई स्केयर, वही मैंने जो थ्योरम आपको रिलेशनशिप बेसिक बताए इसलिए कहा ताकि आपकी बी एस भी रिकवर हो जाए और साथ साथ हमारे पास प्रीमी नॉलेज भी आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये ई स्केयर और सिमिलरली ई एन माइनस वन, और यहाँ से क्या कॉमन आता है, सारे में एफ नॉट आ गया, बाकी क्या आ गया वन प्लस ई ई स्केयर प्लस वन, और यहाँ से इस इतने हिस्से को जो ब्रैकेट के अंदर है वी कैन राइट इट इज इक्वल टू ई एन माइनस वन ओवर ई माइनस वन, आप डिवाइड करके देखें इसको तो यही चीज आएगी, क्यों भाई, क्यों भाई यही आता है ना? यस। और इसमें इसकी वैल्यू को मैं सब कर रहा हूं, ई क्या है वन प्लस डेल्टा ओवर एन माइनस वन ओवर, ये फिर ई क्या है वन प्लस डेल्टा माइनस वन, तो यहां से इस को एक्सपेंड कर लें ऊपर वाले को, यानी एक्सपेंड कर लिया ये वन और ये वन शुरू वाला जो है कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बच जाएगा ये एक फार्मूला से बन जाता है एन डेल्टा एफ नॉट एन इंटू एन माइनस वन डेल्टा स्केयर एफ नॉट एंड सो ऑन, ये हमारा फार्मूला बन, तो ये क्या है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ये सारे के सारे समझ, मिसाल के तौर पे असल एप्लीकेशन क्या हो, सम द सीरीज बड़ा आसान सा आपने किया हुआ है वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फाइव n into n plus 2 for different values of n, n equal to 1 put करें तो ये चीज आती है, n equal to 1 इधर put करें तो ये 3 आता है, तो 1 के लिए क्या आ जाए 1 into 3, 2 put करें तो 2 और ये 4 2 into 4, आपने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 into 1 is 3, this is 8, this is 15, 2 into, तो ये क्या 3, 8, 15, 24 and so on, अब इनके divided further differences ले लें, जब फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा डेल्टा स्केयर डेल्टा, जब डेल्टा लेंगे 8 माइनस 3 5 3 माइनस 8 7 24 माइनस 15 9
फिर दोबारा इनके सेकंड ऑर्डर डिफरेंस हो गए, तो देश माइनस देश, देश माइनस देश, और इनके लेंगे और वहां तक जाने जब ये जीरो नहीं हो जाता कहीं ना कहीं जीरो ठीक हो गए। इसलिए मतलब यहाँ पे चार वैल्यूज नहीं है, अगर ना होती तो फिर हम पांचवें भी लिख लेते और फिर इन दोनों का डिफरेंस, 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 आगे चलते तो ये पॉसिबिलिटी होती। तो जितनी वैल्यूज तक आपके पास आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जीरो ना हो जाए तो आप चलते हैं। अब सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीस, तो ये इसका सम किसके इक्वल है, हम आपको फॉर्मूला क्या है, एन एफ नॉट एन इंटू एन माइनस वन और टू फैक्टर इंटू डेल्टा एफ नॉट, वो वैल्यूज पुट करते हैं। ये एफ नॉट है और डेल्टा एफ नॉट क्या है, वो ये आ गया डेल्टा स्केयर एफ नॉट और डेल्टा क्यूब एफ नॉट, और वो जीरो होगा काम का खत्म। और अगर आप जब जीरो नहीं होता किसी सूरत में फिर क्या करेंगे, ये फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास सामने आ जाएगी, तो एंड स्टो ऑन करके हम चल पा जाएंगे। तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा, ये फार्मूला इसको आप सॉल्व कर लो जैसे आप तफसील में किया होगा, ठीक है। Yes, ये और तरीकेकार हमारे पास है कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से सम भी फाइंड आउट करें, और वहां पे क्या करते थे हम इसको पहले से मल्टीप्लाई करते थे, आपको याद होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम सम लेंगे, ये फार्मूला था ना एन स्केयर प्लस टू एन, तो उसमें समेशन इस्तेमाल, समेशन एन स्केयर प्लस टू समेशन एन, और उन दोनों को सॉल्व करते थे और वैल्यू को याद है कि नहीं, तो अक्सर पढ़ाते हैं ना एफ एस सी वगैरह, क्या ख्याल है, एनी प्रॉब्लम यहां तक, कोई क्वेश्चन? नो सर। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, आप देखो यहाँ पर डेल्टा फोर जीरो हो रहा है, मैंने यहाँ पर पॉइंट एक ज्यादा ले ली, ऐसे ही एक और एग्जांपल है यहाँ पर। लो जी नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूली क्या होता है, हाउ वी इंटरप्रेट द गिवन डेटा। जी हाउ वी कैन इंटरप्रेट द गिवन डेटा बाय यूजिंग फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ये प्रूफ आपने बीएस में नहीं किए, ये यहां पे एमएस में ही कर सकते हो, मेरा नहीं ख्याल है शायद किसी ने किया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत कम रेयर चांस होता है क्योंकि प्रूफ हम फॉरवर्ड बैकवर्ड के जो है उसके बी एस लेवल पे, सपोज दैट एक्स नॉट एफ नॉट, पर एक पॉइंट इसमें भी समझने वाला होगा, एक्स वन एफ वन एक्स एन एफ एन इज द गिवन डेटा विद कंसेक्यूटिव डिस्टेंस डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैविंग नेचुरल डिस्टेंस ऑफ एच, ये जरूरी है, अगर ये डिफरेंस नहीं देंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे को वो इक्वी स्पेस डाटा नहीं होगा, अगर इक्वी स्पेस डाटा नहीं है तो कभी भी आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कोई ऑपरेटर नहीं लगा सकते, ऑपरेटर्स के लिए जरूरी है कि डेटा शुड बी इक्वल स्पेस्ड, तो मैंने जैसे कहा कि द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव एक्स आई शुड बी इक्वल टू एच फॉर डिफरेंस वैल्यू ऑफ जे, जे विल फ्रॉम जीरो अप टू एन माइनस वन, द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इज, हमें पता है कि ये चीज होती है एफ नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, अब यहां से एक प्रूफ मैंने करवाया था आपको याद होगा कि nth के डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फार्मूला हमने एक प्रूफ किया था शुरू में, सबसे पहला पेज जो मैंने कहा तो वो ये चीज डेल्टा के एफ के और के फैक्टर एच के हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो सिंस वन रिड्यूसेस टू, अगर वन के अंदर इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू फिर सारों की वैल्यू सब करते हैं, ये आपने प्रूव किया था डेल्टा एफ नॉट और वन फैक्टोरियल इनटू एच, थोड़ा सा आपको ऊपर बता दूं ये वाला मैंने कहा ये प्रूव किया था, और ये मान लो ये डेल्टा एफ के सेम वही चीज आपने प्रूव कर दी, तो ये वैल्यूज मुख्तलिफ जो है यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये डेल्टा एफ नॉट और बाकी मल्टीप्लिकेशन वैसे ही बनते हैं, ये वैल्यूज हमारे पास। अब
अपग्रेड कैसे करें। ये मैंने एक छोटी सी फिगर बनाई और इसके अंदर मैंने लिखा है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू, मैं एक्स को अभी एड किया हुआ है इसको छोड़ो, एक्स थ्री एक्स आई, ये दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। और आपको पता है कि डेटा को भी इक्वली स्पेस है, तो एक्स वन में भी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, एक्स टू क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एच कर दें या एक्स नॉट प्लस टू एच कर दें एक्स थ्री इस तरीके से, और एक्स नॉट एक्स आई किसके इक्वल है एक्स नॉट प्लस आई एच या इस तरीके से आगे आप कर दें। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू दरमियान में एक्स की वैल्यू है, अब उसके लिए जाहिर बात है कि यहाँ पे तो ये जो एच है वो मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स था, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यों भाई, तो ये तो इंटीजर्स है तो yes. इसके मतलब वन है टू है फिर थ्री है फिर आई है फिर एन माइनस वन फिर एन है, लेकिन अगर इनके दरमियान में किसी वैल्यू पर पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ जाता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक्स ले रहे हैं तो एक्स नॉट प्लस एस एच, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था एक्स नॉट प्लस एच एक्स नॉट प्लस टू एच एक्स नॉट प्लस आई एच एक्स नॉट प्लस एन माइनस वन एच एन एच, अब एस एच लिखा, एस की वैल्यू जारी बात है कि ये तो हो नहीं सकती कि वन टू थ्री फोर फाइव हो, जारी बात है यहाँ पे एक्स प्लस टू एच आ रहा और यहाँ पे इसके बाद अगर इसकी वैल्यू लेते तो एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस थ्री एच होता, तो यानी यहाँ एच हुई है एक्स नॉट भी हुई है, तो एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस टू और थ्री के दरम्यान में लाई करनी चाहिए, क्यों भाई ठीक होल नंबर नहीं है, इसमें भी इनफ्रैक्शन मस्ट बी इनफ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के अंदर है। हाँ अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज का डाटा जो इस किस्म का आता है टू टू का डिफरेंस तो फिर इंटीजर आ सकता है, तो यहाँ से मैंने लिखा सिंस एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई एच, जैसा कि ये आपने लिखा, और एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एस एच, ये मैंने ये लिखा एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एस एच, तो दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, ये सबट्रैक्ट करें तो इसमें से ये सबट्रैक्ट करें तो एक्स माइनस एक्स आई विल बी गुड दिस माइनस दिस, ये कैंसिल और एस माइनस आई इंटू एच बन, ये देखो सारी डिटेल से लिखा हुआ मैंने डायरेक्ट बात बता दिया तो एस माइनस आई इंटू एच, ठीक हो गया लिखा हुआ वेयर एस इज सम पॉजिटिव रियल नंबर और एंड लाइज बिटवीन एस लाइज बिटवीन जीरो एंड एन, ये जीरो और एन तक है इसके दरमियान में कहीं भी वैल्यू, ये तो मैंने पर्टिकुलर केस के बताया कि टू और थ्री के दरमियान है तो मस्ट भी टू और थ्री के दरमियान नहीं होंगे। लो भाई यहाँ से एक्स माइनस एक्स आई जो है वो ये फॉर्मूला बन गया कि एस माइनस आई एच नाउ सेकंड में भी रिटर्न एस, ये सेकंड इक्वेशन जो है ना ये वाली, इसको हम कैसे कर सकते मुख्य वैल्यू से कर देते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू एक्स माइनस एक्स एन की एंड सो ऑन, सारों की जब वैल्यू से करेंगे ये क्या हो जाएगा एफ नॉट पहली वैल्यू थी एस एच आ जाएगी एस एच इंटू एस माइनस वन एच, क्यों भाई आई की वैल्यू को yes, sir. कर देंगे ठीक है ना, आई को जीरो करेंगे तो एस एच आ जाएगी, वो ये लिखा गया, अगर वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ माइनस बाकी को भी वैल्यू पुट कर लीजिए एंड सो ऑन। तो यहाँ से एच एच कॉमन ले लें, यहाँ एच और एच मिलकर एच के एच कैसे कैंसिल, यहाँ ये एच और एच इससे कैंसिल, ये एच 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 क्यूब हो गया और ये एच एन तो ये एच एन किसे नीचे वाले कैंसिल, तो एच तो हो गया राइट, बाकी वैल्यू आपके पास क्यों भाई नोन एज द न्यूट्रल फॉर्मूलाटर फॉर्मूला प्लीज एच वाला दोबारा बता दें कैंसिल कैसे हुआ, नहीं सर वो एज जहाँ पे कॉमन ले रहे हैं कैंसिल ही हुआ, ये देखें ये दो वैल्यूज वो यहाँ से यहाँ जी मासूमा बोले भाई ये हमें क्वेश्चन कर हो चली जाती, मासूमा सुन रही है, सुन रही हूँ मैं, वो मुझे एच का कॉमन करके वो उसका नहीं पता चल रहा, वो एच है ना लास्ट पे तो फिर वो माइनस वन नहीं हो जाएगा, इसकी बात कर रही हैं या यहाँ से इसके यहाँ जब वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लिए, सर यहाँ की बात कर रही हूँ ये यहीं पे जहाँ पे एच कॉमन ले रहे हैं राइट, ये देखिए एस एच है ये एच ये सारे मल्टीप्लाई में है, यहाँ एस इंटू एस माइनस वन मल्टीप्लाई में निकाले और एच इंटू एच क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा और एच स्क्वायर इस एच स्क्वायर से कैंसिल हो, ऐसे ये s into s minus 1 into s minus 2
बाकी एच 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 तीन दफा आया तो एच क्यूब, ये एन टाइम सॉरी आया तो एन एच पावर एन, तो ये एस के साथ एन, क्यों भाई आई समझ? जी सर हो गया ठीक है ओके तो ये इसको साल भी किया जा सकता है कि अगर x है और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0, 1, 3, -1, 2, 11, 19 ये f of 1.5 फाइनल करना है तो आपके पास क्या तरीकेकार है x not is this one ये x1 x2 x3 ये 1.5x है आप जो वैल्यू जिस पे वैल्यू फाइनल करना चाह रहे हैं डिफरेंस क्या है हर एक का वन डिफरेंस है 3 -2, 2 -1, 1 -3 बाद वाली में से पहले तफीक करनी है तो एच मैंने बताया हुआ है कि मे बी नेगेटिव आल्सो तो ये तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एस एच तो एस किसके बराबर होगा यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं और एस की वैल्यू क्या एक्स माइनस और एक्स की वैल्यू 1.5 एक्स नॉट की वैल्यू 0 एच की वैल्यू हम आपको 1 तो ये पुट करेंगे तो 1.5 ये एस की वैल्यू ये सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे एस के अंदर सबमिट कर दें इस फंक्शन के अंदर वाई की वैल्यू को सबमिट करें आपके कि आपने किया हुआ है बीएस के अंदर चल अब बैकवर्ड डिफरेंस कैसे करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस नाउ यूजिंग द गिवन डाटा इन रिवर्स ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस करने क्या करेंगे हम उसको रिवर्स ऑर्डर यानी सारा का सारा नॉर्थ से स्टार्ट करने के लिए क्या किया एन से स्टार्ट करते आखिरी वाले को शुरू में जाते तो क्या होगा Maybe written as fn, वहां पे f नॉट था x माइनस एक्स नॉट था यहाँ पे क्या होगा f x माइनस एक्स नॉट गया x माइनस एक्स एन ठीक हो गया ना डेटा सिर्फ रिवर्स ऑर्डर वाली पुटिंग द वैल्यूज वही अब क्या बन पर क्या पड़ता है जब ये चीज लेते हैं तो ये अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो नेबला की आ जाए डेल्टा की बजाय यानी फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड ये आपको खुद कर लेना है और बिल्कुल उसी लौनी लाइनों पे एक्स आई इक्वल टू एक्स एन एन माइनस आई इंटू एच और एक्स निकाल लिया वहां पे क्या निकाला था हमने एक्स नॉट लिखा था यहाँ पे क्या निकाला एक्स आई निकाल लिया तो एक्स माइनस एक्स आई सॉरी वहां पे भी एक्स आई निकाला गया ये सब कट बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे ये प्रूव है आप खुद कर लेंगे और ये एक्स प्लस एच आएगा वहां पे माइनस आते थे उसी तरीके से ये वैल्यू कटेंगे इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप बता दें ठीक है बस ये आज इतना काम मैं थोड़ा सा हिम्मत की है काफी है वैसे भी और एनी क्वेश्चन अभी आपके बैठे बैठे नोट शेयर कर दीजिए सर पिछले अभी 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 वेट कॉल निगरानी वाले भी रहते हैं कौन से वाले ओके 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 असद घर जाना है आपने ईद पे जाते हैं कि नहीं सर मैं घर आया हूँ सर एक हफ्ता हो गया ओह तभी मुलाकात नहीं हो रही है जी सर जबरदस्त अच्छी बात है हमें तो ऐसे ही लग रहा होता है ना आप हमारे पास बैठे जब आप ऑनलाइन होते हैं सर जगन का एक हफ्ता हो गया संडे को निकला था मैं एक हफ्ते से मतलब नहीं आ रहा हूँ वहाँ पे कोई पता नहीं हालात कैसे हैं इसलिए बहुत बेहतर सर कोशिश ईद के बाद वापस आऊंगा ईद के एक हफ्ते बाद अच्छा नहीं ठीक है हालात देख रहे ना क्योंकि आप तो मेरे ख्याल कराची के हालात थोड़े से भी वो भी गड़बड़ हो रहे कराची हैदराबाद तो कराची के हालात इतने अच्छे अच्छे जा रहे हैं लाहौर के काफी खराब है लाहौर है लेकिन लाहौर अब थोड़ा सा लगता है कुछ समझ रहा है ये मैं ये कौन सा लेक्चर था नवा था दसवां लेट था चलो जी नाइन्थ में मैं लगाता हूँ ये एक ऑपरेटर्स का काम सबसे पहले तो इसको रिड्यूस करना अब मैंने ना किया मैंने मुश्किल
सर आपने वो कहा था कि मैं पेपर्स आप लोगों को खुद ही दे दूंगा अगर आपने खुद नहीं ढूंढे अभी तक, तो सर वो आप दे दें ताकि वो जो हमारी ईद की जो ऑफ्स आ रहे हैं हम लोग उसमें तैयार कर लें। ईद मनानी नहीं सर, फिर ईद सर ये ईद पे ठीक रह जाएगा क्योंकि सर फिर फैमिली के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर पहले मिल जाएगा तो फिर वो इजी हो जाएगा मेरे लिए। या मैं खुद फिर कोई सर्च करके पेपर भेजूं आपको? कोई भेज दे तो कोई हर्ज नहीं, वरना मैं भेज दूंगा। अब ऐसे लिस्ट फाइनल हो गई है ना सारी? यस सर। कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज। एक तो ये फॉरवर्ड का हो गया सर, अपॉइंटमेंट लगे और के बाद भाई एक रोग की तरफ से मुझे आई थी कि मैं ये करना चाह रहा हूँ टॉपिक, मैंने ओके कर दिया। जी सर वो हम लोगों का था, मेरा अमान का और अवैस का। बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन करना जी सर, इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे। जी आजाद जी सर, हमने भी पेपर सेलेक्ट कर लिया था, तो मेल करें आपको सर या व्हाट्सएप कर? आप मुझे चेक करवा दें, व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप करके सर आपके ले लेंगे सर, ये ठीक है या नहीं? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। स्ट्रांग कंपास ये तो ट्राई स्मॉल के लिए फॉर फ्री। ये मनन वजन आना शुरू कर दिया आता सब नहीं थी। कितने 3 MB की होती है ना अपलोड फाइल? यस सर। तीन फाइलें भेजनी ना आपको, एक ये फॉरवर्ड वाली अभी जो मैंने किया है वो कर ली, कंप्रेस में आ गई और यस लग्रांज लिखा करना है, ये लग्रांज सारी 7-8 MB की
मेल कर दे सर जी। नहीं नहीं मेल कर नहीं 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 मेल तो कर अभी आपको दो कंप्रेस हो गई दूसरी कर ली घर में जाए ना तो वो हर चीज तो यहाँ पड़ा होता है। तो पिछली दफा सारा घर से पढ़ाया था इसलिए सारा मटीरियल वहां होता था। yes. इसमें तो 30 रोजों का है, कब ईद बन रही है 30 के हिसाब से इतकाफ वालों को पता होना चाहिए कब चांद नजर आएगा। जाती क्या है नवंबर भी नहीं हो रही दो हो गए इसी लास्ट टाइम क्या थी एक तो लैग्रांज वाली थी ना वो जो नोट है वो भी कर दो सारे डिटेल से वो वाली रहती है सर बीएस का भी कर देते हैं बीएस का ऑपरेटर्स भी कर देते यस अभी जो करते थोड़ा सा फर्क था 3.06 एमबी और एक और हम 9th वीक में
किसी ने बोला हुआ मॉडल? यस सर। पहले मैं बोला हुआ किसी ने? नो सर। देखिए बोला क्या हुआ, वो आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके सर, मैं चेक करता हूँ। सर एक ही आया है, बीएस ऑपरेटर वाला भी आया है। अच्छा yes, दूसरा आ गया एमएस फॉरवर्ड वाला। एमएस फॉरवर्ड बैकवर्ड आ गया ना? नो सर। मेरे पास तो आ गया। यस सर आ गया सर। चलो आ गया, वो भी आ गया। एक भी और आ गया, लग्रांज का भी आ गया। लग्रांज नोट्स कंप्रेस है और एक ये लग्रांज नोट्स। यस सर ये भी आ गया। चार फाइल हो गए। यस सर बीएस नोट्स ठीक हो गया ना? तो उम्मीद है कि आज आपका ना जल्दी ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। ठीक है सर, शुक्रिया सर। जी प्लीज कल वो मैं लेट ज्वाइन किया था, कल नहीं अटेंडेंस पॉसिबल है। कौन है आप? मैं शेख जैन। यही ठीक है सर, मेरी भी अटेंडेंस रहती है। वो आपकी तो हमेशा ही रहती होती है। मेरी भी सर। ये जो दीदी है बेलावेस, नौ जी बेलावेस की बात है। सारा हंसने हैं वो क्या अटेंडेंस वगैरह का, जिन्होंने लगवा लिए वो चले गए, आप लगवाने आ गए। सर क्लास पढ़ रहे सर, हम मौजूद हैं सर। मैं तो उससे तादाद देख रहा था। हसनैन आप एम एस के हैं? जी सर, मोहम्मद हसनैन। अच्छा मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन तारिक। यस सर। चलो और तो नहीं को एम एस का रहता? थैंक यू सर। वेलकम। आपके साथ तो ठेका हुआ हुआ है ना बेलावेज का? जैन है सर? किस चीज का ठेका? आपका लेट आने का ठेका, मेरा दोबारा अटेंडेंस लगाने का। नहीं सर, मैं हमेशा ऑन टाइम पे होती हूं, मेरे बार बार और इतनी डिस्कनेक्शन। सादिया आई है? सादिया फारूक आई है? एम एस पीएडी सादिया मंजूर प्रेजेंट। सादिया फारूक यस सर। टाइम पे क्यों नहीं आती सर? मैं कनेक्ट नहीं हो रहा था। दूसरी कौन है? मरियम। यस सर, मरियम मंजूर। मरियम मंजूर मंजूर एक। चलो और तरी को रह गया मोहम्मद एयाज खान सर। अल्लाह बोल दो यार, क्यों शर्म करते हो, हम है ना। चलो जी हो गया जी, बस जी हो गया जी, अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और बाकी अल्लाह खैर। आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक सर। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हमारे रोजे कबूल करे, हमारे ये बातों को छोटी मोटी। सर आमीन आमीन सर आमीन सर आमीन। सलाम अलैकुम। वालेकुम अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।